हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज इस फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है चेतन प्रकाश और आप देख रहे हो ज्ञान। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मैं अपने थंबनेल्स को क्रिएट करता हूँ, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे आप पिक्सआर्ट के अंदर अपने लिए एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं अपने थंबनेल्स बनाता हूँ, मैं वही तरीके यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। आप उसको देख के सीख सकते हैं कैसे जो है आप अपने लिए थंबनेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। साथ में कुछ खास ऐसी टिप्स यहाँ पे आपको मिलने वाली है जो मैं खुद यूज करता हूँ, जिनको मैं अपने थंबनेल्स बनाने के लिए यूज करता हूँ। तो मेरे इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि तभी आपको मेरी सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ पिक्सआर्ट की एप्लीकेशन के ऊपर, जहां मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने लिए थंबनेल्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मैं खुद अपने लिए थंबनेल्स को क्रिएट करता हूँ पिक्सआर्ट की एप्लीकेशन को यूज करके। और साथ में यहाँ पे बहुत सारी टिप्स आपको देने वाला हूँ जो कि आपको आगे वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल फोन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फोन के ऊपर और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे मैं पिक्सआर्ट की एप्लीकेशन के अंदर अपने लिए थंबनेल्स को क्रिएट करता हूँ। अगर आप भी पिक्सआर्ट के अंदर थंबनेल्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं उसी फोटोज को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ जो मैंने सबसे लास्ट में एडिट किया होता है। उसके बाद मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ यहाँ पे ड्रॉ वाली ऑप्शन के अंदर, क्योंकि जो बैकग्राउंड है मेरे को बिल्कुल क्लियर चाहिए होता है व्हाइट के अंदर, तो यहाँ पे मैं स्क्योर वाला ऑप्शन इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कलर को व्हाइट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी पूरा बैकग्राउंड है उसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ और यहाँ पे पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो है व्हाइट में हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी मेरे को टेक्स्ट लगाना होता है अपने इस बैकग्राउंड के अंदर, जो भी मेरे अपने थंबनेल के अंदर टेक्स्ट लिखना होता है, मैं उसको लिख लेता हूँ। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे लिखना है हाउ आई मेक थंबनेल। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जितना भी मेरे को टेक्स्ट लिखने तो वो मैं पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद जो उनको एडजस्ट करता हूँ, उनके कलर्स को एडजस्ट करता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे थंबनेल का कलर मैंने रेड ले लिया है तो यहाँ पे इसको सबसे नीचे रखना है। उसके बाद यहाँ पे हाउस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको छोटा कर देते हैं। तो इस तरीके से जो मैं इनको सेटअप करता हूँ, तो यहाँ पे पहले मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। दोस्तों इस तरीके से इनको सेटअप करने के बाद, जो भी मैंने कीवर्ड लगाने हैं वो उसको सेटअप करने के बाद, यहाँ पे मैं अपनी कोई भी पिक्चर यहाँ पे एडिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पिक्चर के अंदर मैं चला जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स के मैंने पहले फ़ोटो शूट करके रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये मैंने पहले ही स्पेशली थंबनेल्स के लिए पहले इनको एडिट करके रखा हुआ, कुछ को मैंने एडिट करके रखा हुआ, कुछ ऐसे ही पड़े हैं जिनको मैं बाद में एडिट करके यहाँ पे लगा देता हूँ। तो जो भी मेरे को फ़ोटो लगाना है उनको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जो अभी हम कोई फ़ोटो ढूंढते हैं जो भी मैंने यहाँ पे पहले ही शूट करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो ढूंढते हैं जो कि मेरे को यहाँ पे लगाना है, तो मैं इस वाले फोटो को यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद दोस्तों मैं बिल्कुल ऐसे तो इसको नहीं लगा सकता, तो इसके लिए यहाँ पे कटआउट का एक ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो मेरी अकेले की फ़ोटो है मैं उसी को कटआउट करूँगा और जो बाकी का बैकग्राउंड है उसको हटा दूँगा। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो सिर्फ फोटो उसको कटआउट कर देता है, लेकिन उसके साथ कई बार क्या होता है कि जो इधर उधर के जो बैकग्राउंड है उनको भी कवर कर लेता है। तो इस तरीके जो है आप देख सकते हैं कि कहाँ पे जो है कोई गलती तो नहीं हुई है, या फिर जो बैकग्राउंड है वो तो नहीं आ रहा कहीं पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है आ रहा है तो इसको जो है आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके हार्डनेस को आपको हाई कर देना ताकि जो भी आप एक बार में सब कुछ हट जाए। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे जो है आप इन सब चीज़ों को हटा सकते हैं। अगर आपको दोबारा से यहाँ पे लगाना है तो यहाँ से आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके जो यहाँ पे परफेक्टली आ गया है ये फोटो, तो मैं इसी को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, तो यहाँ पे इसके साइज को हम बड़ा कर देते हैं, बिल्कुल फ्रेम के साइज के बराबर इसको कर देना है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल ये फ्रेम के बराबर आ चुका है और ये हमारा थंबनेल जो है यहाँ पे
अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पे इसकी सैचुरेशन को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा सैचुरेशन को बढ़ाने के बाद थोड़ा सा फोटो अच्छा दिख रहा है, थोड़ा ब्राइट दिख रहा है। तो इस तरीके से जो मैं अपने थंबनेल को क्रिएट कर लेता हूँ। तो अभी ये लगभग तैयार हो ही चुका है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हम और एडिटिंग इसके अंदर कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाउ थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, आई को भी थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, से ड्रॉ के अंदर जाना है, इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ के अंदर चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे जो मैंने स्क्वायर वाला लिया होता है उसको मैं रखता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करके इस तरीके जो है इसके ऊपर स्क्वायर बना देते हैं, जिससे थोड़ा सा एक बटन टाइप का ये दिखाई देता है और ये काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पर्सनली मैं खुद इन्हीं चीज़ों को यूज करता हूँ अपने थंबनेल बनाने के लिए। आपने जितने भी थंबनेल मेरे देखे होंगे वो बिल्कुल सेम तरीके से मैं क्रिएट करता हूँ। तो अभी ये क्रिएट हो चुका है और ये मेरा बिल्कुल थंबनेल बिल्कुल रेडी है। अब इसको डायरेक्ट हमें सेव कर लो। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको डायरेक्ट यहाँ पे सेव कर देते हैं, तो ये सेव हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ खास टिप्स दे देता हूँ। अगर आप अपने लिए थंबनेल बना रहे हैं तो ऐसे ही कोई भी आप बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, व्हाइट, रेड, येलो, ब्लैक, कोई भी बैकग्राउंड कलर आप ले सकते हैं। उसके अंदर जो है आपको अपना थंबनेल क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप मेरे तरह ट्यूटोरियल्स बनाते तो इसके लिए तो सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े लेटर्स के अंदर जो है आप जो भी लिखना चाहते हैं अपने थंबनेल के अंदर, वो ऐसे बड़े बड़े लेटर्स के अंदर लिखना चाहिए, बोल्ड लेटर के अंदर लिखना चाहिए, ताकि लोग अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद अपना एक फोटो भी आपको लगाना चाहिए अपने थंबनेल के अंदर, अच्छे ब्राइट कलर के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको बार बार फोटो लेने की जरूरत नहीं होती है, आप एक ही बार में फोटो शूट कर लीजिए, उसके बाद उनको ऐसे PNG के अंदर सेव कर लीजिए, या फिर ऐसे ही आप उसी टाइम पर उनको एडिट करके डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है, इस तरीके जो आप अपने लिए थंबनेल बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो टेक्निक है वो पसंद आई होगी। इस तरीके से जो मैं काफी जल्दी और अच्छे तरीके से मैं अपने थंबनेल को क्रिएट कर पाता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, कैसे आप अपने लिए थंबनेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जो भी मैंने टिप्स यहाँ पे बताई है जिनको मैं खुद यूज करता हूँ, आपकी भी काम की होंगी। तो आपको समझ आ गया होगा कैसे मैं खुद अपने लिए थंबनेल्स को क्रिएट करता हूँ। तो आप भी उन सभी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका पिक्सार से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्दी दे दूंगा। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक करके बता सकते हैं, और अगर आप बनना चाहते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपके पास पहुंच सके मेरी अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों कैसे आपको वीडियो लगी, अगर आपके कोई सवाल तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दूंगा आपकी कमेंट का जल्द जल्द रिप्लाई। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और दोस्तों सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर मेरे को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भूलिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।